शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? गुरु जी की जो इन दिनों कथा चल रही है, शंकर सुमन सुंदर शिव महापुराण कथा, उसमें आज गुरु जी ने एक सर्वश्रेष्ठ उपाय बताया है, जो कि जीवन में विशेष तौर पर भारी से भारी कोई दवाई, कोई रोग इत्यादि चल रहे हैं जो पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। इन दिनों कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में सभी व्यक्ति परिवार के परेशान हैं ही, क्यों ना समय रहते इन परेशानियों का निदान कर लिया जाए। आप सभी को सरल सा उपाय गुरु जी कहते हैं, कभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज की ही कथा में यह उपाय बताया है, जिसमें गुरु जी कहते हैं इस उपाय को पूर्ण विश्वास से और इस विशेष नाम को लेकर आपको करना है। यह गुरु जी ने नहीं बताया कि किस दिन करना है, परंतु किसी भी दिन जब आप शिव मंदिर जाएं तभी इस उपाय को कर लीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए गुरु जी कहते हैं मात्र आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी। बस उपाय करते समय इस बात का ध्यान रखिए कि बेलपत्र परिपूर्ण रूप में होनी चाहिए, कहीं पर से कटी फटी टूटी फूटी ना हो। साथ ही गुरु जी कहते हैं लाल चंदन की आपको आवश्यकता होगी। लाल चंदन सूखे फॉर्म में भी मिलता है गुरु जी कहते हैं, लिक्विड स्वरूप में भी मिलता है। तो आप सभी ने जिसने भी आज की कथा सुनी है, आप सभी जरूर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट्स के द्वारा जरूर से लिखिएगा। जिसने नहीं भी सुनी है वह व्यक्ति भी प्रभु स्मरण करते हुए, मंत्रों का जाप करते हुए जरूर से लिखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं उपाय की तरफ। उपाय इस तरह से है, जो कि आप सभी को लाल चंदन लेकर और मात्र एक बेलपत्र लेकर और शमी पत्र लेकर शिव मंदिर चले जाना है। शिव मंदिर जाएं तो विश्वास करें, गोलबाती का दीपक लगाएं और सामान्य सरल तरीके से जल का लोटा भी जरूर से लेकर जाएं। अब शिव मंदिर जा रहे हैं तो विशेष तौर पर आप सभी उस व्यक्ति का स्मरण करते हैं तो अति उत्तम है, जो रोगीला है। स्वयं के लिए करते हैं तो भी अपना ध्यान करें कि प्रभु इस दुख बीमारी के निजात के लिए यह उपाय करने जा रही हूँ। तत्पश्चात आप सभी एक जल का लोटा पूर्ण रूप से शिवलिंग पर समर्पित करें, साथ ही गोलबाती का दीपक जरूर से लगाना चाहिए। आप सभी ने सुना होगा, समझा होगा, देखा होगा, कोई भी पूजा पाठ होती है ना, उसमें दीपक सबसे पहले प्रज्वलित किया जाता है ताकि हमारी पूजा पाठ सफल हो सके। वह जो है अग्नि देवता के स्वरूप में किसी भी पूजा पाठ को सफल बनाने के लिए साक्षी के स्वरूप में जाने जाते हैं, तब जाके उपाय करा करें। अब उपाय जो है आप सभी को हनुमान जी महाराज के छोटे भाई जो हैं उनका नाम लेना है, उनका नाम है गतिमान जी। हनुमान जी का भी ध्यान करना है और उनके छोटे भाई गतिमान जी का भी ध्यान करना है। रोग मुक्ति के लिए खास यह उपाय है। आप सभी को जो बेलपत्र ली है ना, उसमें आपने देखा होगा तीन पत्तियां होती हैं, स्क्रीन पर लगाया हुआ है मैंने। आप सभी को जो निचली वाली दो पत्तियां होती है ना, सबसे पहले उसमें लाल चंदन की एक एक बिंदी बना लेनी है। अर्थात आपको जो सबसे जो विशेष जिससे हम चंदन इत्यादि लगाते हैं, अनामिका उंगली जिसे कहा जाता है, उससे आप सभी को लाल चंदन लगाना है निचले वाले जो है पत्तियों पर, दोनों में आपको लाल चंदन लगाने के बाद उसके ऊपर ठीक शमी की एक एक पत्ती रख देनी है। शमी की पत्ती रखनी है और साथ ही लाल चंदन लगाना है। तत्पश्चात हनुमान जी महाराज के छोटे भाई गतिमान जी और हनुमान जी का नाम लेकर शिवलिंग पर चढ़ा देने से गुरु जी कहते हैं तत्काल रोग कट जाता है। कर देखिएगा, आज की कथा का बिल्कुल नया उपाय है जो कि आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लाभ आपको मिलना ही है। प्रथम उपाय है, कोई भी चीज़ समझ में ना आए ना पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। यहाँ पर बैठकर महादेव की आराधना करें, मंत्र जाप करें, किसी भी पूजा पाठ में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठकर ही पूजा करनी चाहिए। भूल चूक के लिए क्षमा प्राप्ति होते हुए आप सभी रोग मुक्ति की प्रार्थना करें। यह बात हो गई प्रथम उपाय की। अब दिन है बुधवार, बुधवार का दिन गणेश जी महाराज को समर्पित है। जीवन में रोग इत्यादि काफ़ी बढ़ रहे हैं, परिवार में उन्नति नहीं है, शोक और कहीं ना कहीं मन अशांत रहता है, किसी न किसी स्वरूप में आप परेशान हैं। तो आप सभी को 11 दाने बुधवार के दिन, जो हरे रंग की वस्तु होती है वह बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं, तो बुधवार के दिन आपको 11 दाने हरे मूँग के परिपूर्ण रूप में ले जाने चाहिए शिव मंदिर। एक दुर्वा लेकर जानी चाहिए और थोड़ा सा ले जाना चाहिए शहद। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए पूर्व उत्तर दिशा की ओर बैठें, चाहे तो घर पर करें, इच्छा आपकी है। जलाभिषेक करें शिवलिंग पर। यह बहुत पुराना उपाय है गुरु जी का, आप में से कई भक्तजनों ने सुना भी होगा। जलाभिषेक करें, दीप प्रज्वलित करें। अब गणेश जी महाराज का जो स्थान है ना शिवलिंग पर, सबसे पहले उस स्थान पर आप सभी को गणेश जी महाराज का ध्यान करें, स्मरण करें, प्रभु आराधना करें। सामान्य श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी जाप कर सकते हैं या ओम श्री गणेशाय नमः कहते हुए। गणेश जी का जो स्थान रहता है, सबसे पहले तो शिवलिंग पर जल समर्पित करें,
फिर आप सभी गणेश जी के स्थान पर सबसे पहले थोड़ा सा शहद का लेपन करें। शहद का लेपन कर लेंगे तो उसके ऊपर आप सभी को अपनी इच्छा सामर्थ्य अनुसार थोड़ा सा, चाहे 4 दाने 5 दाने जितनी इच्छा है, आप हरा मूंग समर्पित करें। हरा मूंग समर्पित करने के बाद मात्र एक आपको उस स्थान पर जो है आवश्यक रूप से जो एक दुर्वा है वह समर्पित करनी है गणेश जी के उस स्थान पर। बचे हुए जो हरे मूंग है उसमें से भले एक दाना हो या 2 दाने हो शिवलिंग पर समर्पित करना है, और बचे हुए 1 दाने को या 2 दाने जितने भी हैं वह नंदी महाराज का उठा हुआ जो पैर है वहां पर आपको समर्पित करना है। 11 दाने हरा मूंग ले जाइएगा, इस बात का ध्यान रखिए, उनमें से गिनकर ही समर्पित कीजिएगा, कहीं कम ना हो जाए इस बात का ध्यान रखें। अब गणेश जी महाराज नंदीश्वर महादेव और महादेव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज बुधवार के दिन हरा मूंग आपको अपने इस कामना, नौकरी, विवाह, संतान, रोग, जो भी परेशानी है उसकी प्रार्थना करते हुए समर्पित किया है। कृपया मेरे कार्य में मुझे उन्नति प्रदान करें, दुख तकलीफ को दूर करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप जो है हनुमान जी महाराज का दीप इत्यादि प्रज्वलित कर, माफ़ कीजिए, गणेश जी महाराज और महादेव को पूर्ण रूप से दीप प्रज्वलन करें, मनोकामना के लिए झोली पसारें, कामना सिद्ध होगी इस विश्वास से काम करें। यह बात हो गए 2 उपाय की जो काफ़ी सरल है। बात कर लेते हैं 3रे उपाय की। 3रा उपाय जिसमें गुरु जी कहते हैं बुधवार को अपने हाथ में, आप सभी दाहिने हाथ में आवश्यक रूप से जो छात्रजन हैं उन्हें तो करना ही चाहिए, क्योंकि यह दिन बुद्धि के देवता गणेश जी महाराज को समर्पित होता है। नौकरी, प्रतियोगी परीक्षा या किसी न किसी स्वरूप में आप प्रभावित है, जीवन में ट्रांसफर इत्यादि नहीं हो रहा है, तो नंदी महाराज बैल को आप सभी को आवश्यक रूप से नंदीश्वर महादेव का ध्यान करते हुए अपने हाथ की हथेली में हरा मूंग लेना चाहिए, गुड़ का टुकड़ा लेना चाहिए, और एक बेलपत्र लेकर आप सभी को नंदीश्वर महादेव का ध्यान कर कहीं भी नंदी बाबा आपको मिल जाए तो उन्हें अपनी मनोती कहते हुए हरा मूंग जरूर से खिला देना चाहिए। इससे जीवन में सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं, तत्काल कष्टों से मुक्ति मिल जाती है, और जीवन में जो चाहे व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। कर देखिएगा, लाभ मिलेगा। यह बात हो गई सरलतम उपाय की जो मैंने बताया। अब बात करते हैं गुरु जी के सर्वश्रेष्ठ सरल उपाय की, जिसमें गुरु जी कहते हैं बुधवार हो या किसी भी बार पर अगर हम शिवलिंग पर सामान्य तरीके से दुर्वा समर्पित करते हैं ना, तो जैसे दुर्वा एक जगह पर समर्पित जैसे धरती पर लगती है तो फैलती जाती है, उसी तरह से हमारे वंश में वृद्धि होती है। दुर्वा शरीर से कई रोग भी नाश करती है, तो बुधवार को जरूर से आपको शिवलिंग पर एक दुर्वा समर्पित करनी चाहिए। गणेश जी महाराज को भी दुर्वा और सुपारी जरूर से समर्पित करनी चाहिए। यह सभी कार्य में सिद्धि के लिए माना जाता है। इस दिन गौ माता या किसी भी गौवंश को, गौ माता, बैल हो गया, इन्हें आवश्यक रूप से हरा चारा खिलाना चाहिए, इससे भी बुध ग्रह मजबूत होता है। हरे रंग की ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का दान करें इस दिन। हरे रंग के वस्त्र पहन सकते हैं, हरे रंग की जो भी चीज़ है वह दान करने का प्रयत्न करें। बुधवार के दिन गणेश जी महाराज के नाम का दीपक लगाना, साथ के साथ हनुमान जी महाराज के महादेव के मंदिर में हनुमान जी महाराज का मंदिर भी हो तो आसपास जरूर से लगाएं। इस महीने बहुत अधिक जो है जो श्री कृष्ण स्वरूप है उसका पूजन किया जाता है, और साथ ही सूर्य देवता की आराधना के लिए भी यह महीना जाना जाता है। इस तरह से यह उपाय थे। वीडियो उचित रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।